गोरखपुर के थाना राजघाट स्थित मोहल्ला हासूपुर में एक बंद घर में लाखों की चोरी हुई है। मकान में रहने वाले नीतीश ने बताया कि 17 अप्रैल को परिवार के साथ वह नोएडा गए हुए थे। आज जब नीतीश घर पहुंचे तो देखा कि बाहर का गेट तो बंद है, लेकिन अंदर के गेट की कुंडी कटी हुई है और ताला जमीन पर पड़ा हुआ है। चोरी का शक हुआ तो उन्होंने सूचना पड़ोसियों को दी। दरवाजा खोलकर अंदर गए तो आलमारी तोड़कर सारा सामान बिखरा था और सोने चांदी सब गायब थे। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी आई। उन्होंने कुछ सैंपल लिए और आगे कार्रवाई करने की बात करके चले गए। पीड़ित ने पुलिस को चोरी की तहरीर भी दिया है। पीड़ित के अनुसार अनुमानित 12 लाख से ऊपर की चोरी है, क्योंकि अभी बाकी परिवार वाले घर पर नहीं है तो एग्जैक्ट चोरी कितने की हुई है ये बता पाना मुश्किल है। देखिए, क्योंकि मुझे बहुत इसकी जानकारी नहीं, तो मैंने जो मोटा मोटी घर पे पूछा तो मम्मी पापा से जो जानकारी मिली, लगभग 50 से 60 ग्राम का जो सोना था, अभी और क्या होगा उसकी जानकारी नहीं है। लगभग आधे किलो का चांदी था, आधे किलो के लगभग का, और कुछ कागज पत्र थे, कुछ कैश होंगे, और अभी देखना बाकी है और क्या क्या रहा है। परिवार में सभी लोग रहते थे फिलहाल, लेकिन मम्मी पापा, मैं, मेरे दो डॉग मैंने पाल रखे हैं, वो भैया, भाभी और सिस्टर तो अपने घर रहती है। तो भैया क्योंकि यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो बाहर जॉब करते हैं, और मेरा ही आना जाना होता है मम्मी पापा यहाँ। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत न्यूज़, लखनऊ।